Assalamu alaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I have discussed about the president and his power with you and the I have also discussed about his qualification. Today I am going to tell you some more qualifications of president, and I will also discuss about vice president, prime minister, etc. So let's start. He can even dissolve the Lok Sabha. If the president is satisfied that the security of India or any part of its territory is threatened by a war or external agitation or armed rebellion, he can declare a state of emergency for the whole of India or any of its part. कि students कभी ऐसा हो सकता है कि युद्ध हो, यानी कि war हो, या फिर ऐसी कोई situation आ गई हो, तो जिसकी वजह से क्या president कभी कभी पूरे देश में या फिर तो के देश के कुछ part में emergency डिक्लेयर कर सकते हैं. द डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट. और जब प्रेसिडेंट एमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो कोई भी पर्सन उसको कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकता, मतलब उसका विरोध नहीं कर सकता है, उसको मानना पड़ता है. बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी इन दैट स्टेट. तो गवर्नर पहले तो किसी भी राज्य के अंदर अगर कुछ हो तो पहले तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि गवर्नर के पास से रिपोर्ट मंगवाते हैं, और रिपोर्ट के बेसिस पे फिर उस स्टेट के ऊपर यानी कि उस पर्टिकुलर राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं. ही कैन एस्टैब्लिश प्रेसिडेंशियल रूल बाय डिसॉल्विंग द स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री. और प्रेसिडेंट के पास ये भी स्टूडेंट्स पावर है कि वो उस राज्य के कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ डिस्कस करके फिर उसको उस राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं. इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस सैलरीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. तो स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि देश के अंदर अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि इकोनॉमिक पैसे, तो उसके ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, हाई कोर्ट का जज होता है, उनकी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होती है, उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी सैलरीज को वो रिड्यूस यानी कि कम कर देते हैं, मतलब कम कर सकते हैं. ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास होता है. तो द प्रेसिडेंट हैज़ वास्ट एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी कंसिडर्ड इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली. और प्रेसिडेंट के पास इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स है कि जिसकी वजह से प्रेसिडेंट के एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी कंसिडर्ड इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट ओनली. प्रेसिडेंट से ही सब कुछ काम होता है, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट के हाथ से होता है. एंड डन इन हिज नेम ओनली, और उसके ही नाम से होता है. इन रियलिटी प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एन्जॉय दिस पावर्स. लेकिन रियलिटी क्या होती है कि रियलिटी में ये जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स एन्जॉय करते हैं. तो अब स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रेसिडेंट के बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन. अब हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट. तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम आगे देखेंगे. इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट. कि वाइस प्रेसिडेंट की क्या ड्यूटी होती है कि जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होता है, मतलब प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, तो उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट उनकी ड्यूटी कर सकते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन इज कैरीड आउट बाय द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. अब वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, तो पार्लियामेंट के दो हाउसेस है यानी राज्यसभा और लोकसभा, तो दोनों के कंबाइंड मेंबर होते हैं और सभी मेंबर्स मिलकर इलेक्शन करते हैं और किसी भी एक पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं. द टर्म पीरियड ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ 5 ईयर. और ये जो वाइस प्रेसिडेंट जिसे भी बनाते हैं उसका टर्म पीरियड यानी उसका टाइम पीरियड कितने साल का होता है, 5 साल का होता है. वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं. द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट. अब स्टूडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट की क्या मतलब पावर होता है कि वाइस जब भी प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होता है अपनी पोस्ट से, तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देना होता है, वाइस प्रेसिडेंट को देना होता है. यानी प्रेसिडेंट जब अपनी पोस्ट से रिजाइन करते हैं, रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, तो वो रेजिग्नेशन लेटर उन्हें वाइस प्रेसिडेंट को देना होता है. अब आगे है स्टूडेंट्स प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर
The Prime Minister is the real of is real head of the central government. हमारी जो central government है यानी हमारी जो देश की government है यानी हमारी parliament है उसका real जो head है उसका main जो leader है वो कौन होता है? Prime Minister होता है. जैसे कि हमारे Prime Minister कौन है? नरेंद्र मोदी. तो central government का जो main head होता है वो Prime Minister होता है. The Prime Minister is the head of the party who has achieved a majority इन द जनरल इलेक्शन. अब प्राइम मिनिस्टर दूसरे क्या होता है, एक तो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं, दूसरा कि इलेक्शन के अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टी के ज़्यादा वोट से वाले पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा वोट से जीती होती है उसका हेड होता है. ही इज़ अपॉइंटेड फॉर्मली बाई द प्रेजिडेंट. और उन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. मतलब वैसे तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन में बनते हैं लेकिन फॉर्मेलिटी के हिसाब से यानी फॉर्मली उन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. The ministers to the cabinet are appointed as per the council of the prime minister. और cabinet के जो ministers हैं वो prime minister के as a council के तौर पे उन्हें वहाँ पे appoint किया जाता है. He distributes the portfolios any ministers either to be taken left or continued in the cabinet decided by the prime minister. Students, prime minister का power ये है कि cabinet के अंदर कौन सा minister continue अपना काम कर सकता है, कौन सा minister को निकाल देना चाहिए, ये सब कुछ जो है वो prime minister decide करते हैं. He presides over the meetings of the cabinet and also looks after functioning of various departments of the cabinet. Cabinet के अंदर जितने भी students अलग अलग जो department होते हैं हर एक department का जो काम है मतलब जो function है उसको देखने का काम prime minister का होता है, यानी कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. He takes pivotal decisions. The minister is the head of the planning commission which is now known as policy commission. Prime minister जो है वो central government के head होने के साथ साथ पॉलिसी कमीशन के भी हेड होते हैं. पॉलिसी कमीशन यानी कि प्लानिंग कमीशन जो गवर्नमेंट जो देश के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं वो. देर आर थ्री लेवल्स ऑफ मिनिस्टर अंडर द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के अंडर में तीन टाइप के मिनिस्टर्स काम करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है. फर्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर्स, सेकंड है स्टेट मिनिस्टर और थर्ड है डेप्यूटी मिनिस्टर. ये तीन टाइप के अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ एनी वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. और प्राइम मिनिस्टर दोनों हाउसेस में से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से किसी भी एक हाउस के मेंबर होने चाहिए. द मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द लोकसभा. इफ द लोकसभा रिजेक्ट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑन अ पर्टिकुलर इश्यू इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर फॉर द सब्जेक्ट बट द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिजाइन. तो स्टूडेंट्स लोकसभा के जो मेम्बर्स हैं कभी कोई भी गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी हो पर्टिकुलर इश्यू के रिलेटेड तो अगर लोकसभा उसे रिजेक्ट करती है तो फिर कोई एक मिनिस्टर जो इसे रिजेक्ट करता है तो कोई एक मिनिस्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है. पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि सभी मिनिस्टर्स को उस गलती को एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ हमने इसे रिजेक्ट किया है और सबको रिजाइन देना होता है. सॉरी जिस मिनिस्टर ने वो रिजेक्ट किया है तो सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उसको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी होती है, उसका रिजाइन भी एक्सेप्ट करना होता है. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्राइम मिनिस्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन. अब स्टूडेंट्स आगे जो हमने यहाँ तक हमने जो देखा, प्रेसिडेंट देखा, एग्जीक्यूटिव ऑफिस देखी, लेजिस्लेटिव ऑफिस देखे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखा, प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखा, ये जितना भी कुछ हमने देखा वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि हमारी पार्लियामेंट जो पूरे देश को चलाती है वो गवर्नमेंट. तो यहाँ तक वो ख़त्म हो गई. अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव. हमने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली भी देखी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी देखी, दोनों हो गया. अब हमने यहाँ पर थर्ड में देखा था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, वो ख़त्म हो गया. अब स्टेट एग्जीक्यूटिव बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.